मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी आपको संबोधित करने वाले हैं। बगल में हमारे पश्चिम बंगाल चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मुकुल राय जी हैं और पश्चिम बंगाल भाजपा के सांसद सौमित्र खान जी हैं। जिस प्रकार से निरंतर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है, उसी क्रम में आज माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर अनुपम हाजरा जी, विधायक तुलाल चंद्र बारजी और विधायक खारगेन मुर्मू जी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय कैलाश जी से कि अनुपम हाजरा जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएं। श्री दुलाल चंद्र बारजी विधायक हैं, आप बोरगांव से विधायक हैं। दुलाल चंद्र बार बांकड़ा विधानसभा बोरगांव जी। खारगेन मुर्मू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम के विधायक हैं, हबीबपुर मालदा से। मेरा आग्रह है पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय जी से कि आपको संबोधित करें। ये सबको सम्मान निवेदन करके यह बोल रहा है, बंगाल में अभी ममता बनर्जी का खिलाफ पर लहर चल रहा है। ये तृणमूल में है, कांग्रेस में है और सीपीएम में भी है। बंगाल का जनता ममता का ऊपर केस होता है। देखिए, अनुपम तो पहले 10 दिन पहले जाने सकता, क्यों आया नहीं? आया नहीं इसलिए जो उसका खिलाफ में उसका 10 सौमित्र को माफी 10 केस दे देंगे। ये ममता का ट्रेडिशन है। देखिए, हमारा एक मित्र कांग्रेस का मित्र है, वरिष्ठ मित्र है, वो कल भाई साहब का हाथ से, कैलाश जी का हाथ से वो फ्लैग लिया। फ्लैग लेने के बाद ही कोलकाता से पुलिस आ गया उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं, यही तो आचार संहिता चालू है। देखिए, हम लोग आज जो इधर आता है, अनुपम प्रोफेसर है, डॉक्टरेट है, बहुभाष नॉलेज है, वो एमपी है, वो तो तृणमूल कांग्रेस से आज के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, उसके बाद जो बैठा हुआ है दुलाल बोर, बहुत फाइटिंग एलिमेंट है, बहुत दफे लड़ाई किया है, वो कांग्रेस का विधायक है,
वो कांग्रेस का विधायक है और उसके साइड में जो बोसा बैठा हुआ है उसका नाम है खगेन मुर्मू, चार दफे का एमएलए है, तीन दफे का एमएलए है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से तीन दफे वो एमएलए है और सीपीएम छोड़ के ममता का खिलाफ पर वो आज ज्वाइन कर रहा है। तो क्या देख रहा है, कांग्रेस खिलाफ में है, ममता खिलाफ में है, ममता का खिलाफ में, सीपीएम खिलाफ में है और तृणमूल तो है ही है। अब देखिए, देखते रहिए, ये तो सिनेमा का सभी ट्रेलर शुरू हुआ, सिनेमा जब खत्म होगा ना तब देखेगा तृणमूल खत्म हो गया। तो इस तरीका से लोग आ रहा है, इस तरीके से जनमन हो रहा है। देखिए आज के यह एक बात हमको बोलना ही है, कोलकाता से पार्थ चक्रवर्ती शेख हाजी शकील मुजिबा हसन से शेख नुमजुन डे मोहम्मद हसीदा गिजी मोहम्मद वसीम मोहम्मद कबीर समीम अली रमजान खां थक्का, आप लोग बोल रहा है ना जो माइनॉरिटी हमारा साथ आता नहीं है, ये कोलकाता से चला आया भाजपा में शामिल होने के लिए। ये सब माइनॉरिटी है, ममता का खिलाफ में वो कलकत्ता से दिल्ली आया भाई साहब का हाथ से पटाखा लेने के लिए है। तो ये बंगाल का भी सिनेरियो है, ममता इस चुनाव में खत्म हो जाएंगे इसलिए वो पुलिस राज चल रहा है, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन चल रहा है, इस तरीके से ये चल रहा है। तो अभी हम जो लोग आया है वो मंडी जी और दुलाल जी और अमिताभ वर्मा अनुपम हजरा जी, उसको सब भाजपा का तरफ से भाई साहब का और भाई साहब का और आदेश में सब स्वागत जाना रहा है। हम लोग आगामी दिन में एक साथ में काम करेगा भाजपा के अग्रगति के लिए। मेरा अनुरोध है माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, मुकुलदा पश्चिमी बंगाल की राजनीति में एक वो हस्ती है जिन्होंने टीएमसी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया और इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जिसको शिखर तक पहुंचाया उसको शून्य तक लाके खड़ा कर देंगे। और उसी श्रृंखला में आप देख रहे हैं प्रतिदिन विभिन्न दलों से लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा, ये सिलसिला बंद नहीं होगा चुनाव तक। बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं इसलिए कि टीएमसी की तानाशाही अराजकता के साथ साथ जिस प्रकार के बयान ममता जी दे रही हैं, जैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे जिससे देश का नुकसान हो। मोदी जी का विरोध समझ में आता है, करिए आप वैचारिक दृष्टि से, पर आपका मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाएं। अभी से उन्होंने बयान दे दिया कि एक सर्जिकल स्ट्राइक और होगी, क्या ये पाकिस्तान के लिए मदद करने वाला बयान नहीं है? इस प्रकार के बयान एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए? और इन सब बातों से बंगाल में, बंगाल एक बहुत ट्रेडिशनल प्रदेश है, वहाँ लोग संस्कार संस्कृति और देशभक्ति के प्रति बड़ा कमिटमेंट है वहाँ के लोगों का, और ममता जी के इस बयान से बहुत सारे लोग नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आए इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।